हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद की कहानी प्रतिज्ञा के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है बनारस में, जहाँ एक सज्जन व्यक्ति अमृत राय वहाँ पर रहता है। वो पेशे से वकील रहता है, लेकिन समाज सेवा करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। उसके मित्र दाननाथ होते हैं और अमृत राय का विवाह रईस लाला बद्री प्रसाद की पहली बेटी के साथ हो जाता है। लेकिन बच्चे को जन्म देते वक्त प्रसव के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही उसके बच्चे की भी मौत हो जाती है। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन के बाद अमृत राय की नज़र लाला बद्री की दूसरी पुत्री प्रेमा के ऊपर पड़ती है, और वह उसे देखते ही आकर्षित हो जाते हैं और उससे शादी करने का निश्चय कर लेते हैं। लेकिन लाला बद्रीनाथ चाहते थे कि प्रेमा का विवाह उसके मित्र दाननाथ के साथ कर दिया जाए, लेकिन अमृत राय के प्रेम को देखते हुए वे ये कह देते हैं कि हाँ, उसकी शादी प्रेमा से कर दी जाएगी। जैसे ही शादी की घोषणा की जाती है, अमृत राय प्रतिज्ञा लेते हैं कि वे प्रेमा से शादी नहीं करेंगे, वे एक विधवा स्त्री से शादी करेंगे। उसके इस फैसले को सुनकर प्रेमा भी उसका साथ देती है और दाननाथ से विवाह करने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन दाननाथ इस फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि वह सोचता है कि अगर वो इससे शादी कर लेगा तो प्रेमा शादी के बाद भी अमृत राय से ही प्यार करती रहेगी। लेकिन अमृत राय के समझाने के बाद दाननाथ शादी के लिए राजी हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। इस तरह समय बीतता जाता है और लाला बद्रीनाथ के पड़ोस में एक लड़का रहता है, वसंत कुमार। वो उसकी मृत्यु डूबने के कारण हो जाती है और उसकी जो पत्नी होती है पूर्णा, वो विधवा हो जाती है और लाला बद्री प्रसाद के घर में ही रहने लग जाती है। लेकिन बद्री प्रसाद का बेटा कमला प्रसाद बहुत ही दुराचारी व्यक्ति है। उसकी नज़र हमेशा पूर्णा पर रहती है, वो उसे परेशान करता रहता है, कभी उसे छेड़ता है, कभी कुछ। लेकिन कमला प्रसाद की पत्नी सुमित्रा पूर्णा का साथ देती है और कहती है कि उसे इस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसके बाद में जो उसका दोस्त होता है अमृत राय का, दाननाथ, वह बहुत ही सख्ती किस्म का हो जाता है। वह प्रेमा के बारे में सोचता है कि वह अभी भी अमृत राय से प्यार करती है, उससे नहीं। और दाननाथ और कमला प्रसाद दोनों एक साथ मिल जाते हैं और अमृत राय की कड़ी आलोचना करते हैं। लेकिन अमृत राय एक इसी बीच में अपनी धन संपत्ति सब कुछ बेचकर वनिता भवन का निर्माण करता है, जिसमें जो विधवा औरतें रहती हैं, बेसहारा लोग होते हैं, उनके लिए वो जगह बनाता है और कहता है कि ये वनिता भवन सिर्फ उन लोगों के लिए है। इसी बीच में दाननाथ और कमला प्रसाद उसे मारने के लिए गुंडे भेजते हैं, लेकिन प्रेमा बीच में आकर बीच बचाव कर लेती है और भाषण के द्वारा चंदा इकट्ठा करती है कुछ दिन के बाद कमला प्रसाद पूर्णा को उठा ले जाता है और एक जंगल में लेके जाता है और उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन पूर्णा उसे कुर्सी से मारकर वहाँ से भाग जाती है और कुर्सी उसके मुंह पर लगती है। पूर्णा वहाँ से भागकर वनिता भवन में पहुँच जाती है, लेकिन जैसे ही कमला प्रसाद गाँव में पहुँचता है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं कि यह एक औरत से पिटकर आ गया है। लेकिन इसी बीच में दाननाथ को भी महसूस होता है कि उसने कमला प्रसाद का साथ देकर बहुत ही ज़्यादा गलती की है, और वो अमृत राय से इस बारे में अपने किए की माफ़ी मांगता है। अमृत राय बहुत ही विनम्र स्वभाव का है और उसे माफ़ कर देता है। इसी बीच में दाननाथ उसे अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाता है कि उसने एक विधवा स्त्री से शादी करने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन अमृत राय कहता है कि नहीं, उसने वनिता भवन इसीलिए खोला है ताकि वह दूसरों का सहारा बन सके और लोग यहाँ पर आकर
रह सके, इसलिए वह इसी सेवा में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देगा। और प्रेमा भी दाननाथ को पूरी तरह स्वीकार कर लेती है और अमृत राय के प्यार को भूल जाती है। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।